मैं लगातार खबर दिखा रहा हूँ मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्या को लेकर। रिजल्ट प्रकाशन 24 जून को पीजी कॉमर्स विभाग के फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। सिर्फ एक विभाग में कॉमर्स के बारे में मुझे उसमें 128 छात्र उसमें परीक्षा दिए थे, जिसमें 89 छात्र को पेंडिंग कर दिया गया है। इसी को लेकर आज विश्वविद्यालय में कई छात्र अपनी समस्या को लेकर वर्तमान जो परीक्षा नियंत्रक है उनसे मिलने के लिए आया। अब जरा देखिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन अब क्या कहती है। सारा काम है विश्वविद्यालय प्रशासन को रिजल्ट प्रकाशित करके छात्रों के हाथ में दे देना, लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन हाथ उठा ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन का अब सीधा सीधा कहना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, न मेरे पास डाटा है। अब छात्रों से मेरा आग्रह है कि वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का अंक दें। उस अंक के आधार पर जिनका रिजल्ट खराब हो गया है, पेंडिंग है, उनका रिजल्ट प्रकाशित होगा। अब अंदाजा कर लीजिए कि मिथिला विश्वविद्यालय की स्थिति दिन प्रतिदिन किस प्रकार से खराब होती जा रही है, खास करके छात्रों के रिजल्ट प्रकाशन के मामले को लेकर। अंदाजा कर लीजिए कि जो शिक्षण संस्थान छात्रों के रिजल्ट पर निर्भर है, उसकी ख्याति मिलती है रिजल्ट पर, अब वही संस्थान छात्रों के आगे हाथ पसार के रिजल्ट के लिए गुहार कर रही है कि आप अपना रिजल्ट हमें दें, उसी आधार पर हम रिजल्ट को प्रकाशित करेंगे। मामला पीजी फोर्थ सेमेस्टर का है। अब अंदाजा कर लीजिए कि आखिर छात्र क्या करेंगे। अगर बहुत छात्र ऐसे होंगे जिनके पास रिजल्ट होगा लेकिन उन्हें कई परेशानी होगी ढूंढने में, जब विश्वविद्यालय को इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित करने में, तो अब बताइए कि छात्र कहाँ जाए अपनी समस्या को लेकर। कई छात्राओं से हमारी बात हुई, छात्र नेता से बात हुई, उन्होंने क्या कहा, वहीं इस संबंध में जब परीक्षा नियंत्रक से हमारी बात हुई उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। हम लोग एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर से हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट से, और हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि कल हम लोग का रिजल्ट पब्लिश हुआ। एक तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग का 2 साल का कोर्स है उसको 3 साल में कंप्लीट करने जा रहा है, जो कि 3 साल में भी ये कहिएगा कोरोना के वजह से, तो कोरोना के पीरियड में भी रिजल्ट ठीक ठाक सेशन जा रहा था, लेकिन मेन प्रॉब्लम आया है उसके बाद। और दूसरा बात, जो रिजल्ट कल पब्लिश हुआ उसमें जो है 122 स्टूडेंट हैं एम कॉम डिपार्टमेंट में, उसमें से फोर्थ सेमेस्टर में उसमें से 89 स्टूडेंट पेंडिंग में हैं। और जब हम लोग देखे, और सबसे पहले जो है सो रिजल्ट आता था तो लिंक पे आता था और लिंक पर क्लिक करते थे, रोल नंबर सब कुछ डालते थे और तब रिजल्ट देखा जाता था। इस बार क्या हुआ, पीडीएफ में रिजल्ट आया, और पीडीएफ में क्या आया कि सबका रोल नंबर लिखा हुआ है 28 स्टूडेंट पास और 89 पेंडिंग, और सबका रोल नंबर लिखा हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है। क्या ऐसे रिजल्ट आता है, आप ही बताइए। जब यहाँ आए तो सर बोलते हैं क्या, जो आप लोग तीनों सेमेस्टर का हम आपको लिंक भेजे हैं उस पे तीनों सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट डालिए, क्योंकि मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है सो उसके बेस पे आपको रिजल्ट पब्लिश करेंगे। हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या हम जो फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दिए हैं, जो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बेस पर मेरा रिजल्ट पब्लिश कीजिएगा। हम एग्जाम दिए हैं, मेरा कॉपी चेक करिए और उस पर रिजल्ट पब्लिश कीजिए। लेकिन नहीं, अब ये इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, ना ही कॉपी चेक किए हैं, ना ही डाटा है, ना ही कुछ है, तो परेशान। क्या हम लोग की ज़िंदगी में सिर्फ एमकॉम करना है, क्या उसके आगे कुछ नहीं है, कि यही यूनिवर्सिटी है? इस रवैया से आपको क्या लगता है, आपको क्या प्रतीत होता है? ये प्रतीत हो रहा है कि जब से न्यू बीसी आए हैं कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही क्या हो रहा है, क्योंकि जब जहाँ तक सर गलत हो रहा है, सेशन लेट हो रहा है, एग्जाम सही टाइम पे नहीं हो रहा है, पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं हो रही है। जब तक हम लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे 19 में, सुरेंद्र कुमार सिंह यहाँ के भीषी थे, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था यहाँ पर। लेकिन जब से फिर वो गए 22 मार्च को गए हैं 2020 में, उसके बाद से यूनिवर्सिटी में कुछ दिन तक तो भीषी ही नहीं रहे, उसमें प्रॉब्लम हुई। और जब से ये नए वीसी आए हैं तब हम लोगों को हुआ कि चलो अब सही हो जाएगा, क्योंकि एक नया वीसी तो मिल गया यूनिवर्सिटी को, लेकिन उसके बाद तो और भी गंदा वाला हालत हो गया यूनिवर्सिटी का, कुछ भी सही से नहीं हो रहा है। नाम बताइए। नूतन कुमार। कहाँ से हैं? दरभंगा। कॉमर्स डिपार्टमेंट। ऐसा क्यों, क्या कारण माना जाए?
वही तो हम लोग आए हैं कि ऐसा क्यों कर दिया गया, जब हम लोग एग्जाम दिए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में हम लोग का रिजल्ट सही है, तो फोर्थ में ऐसा क्यों कर दिया गया है। हमेशा रिजल्ट आता था वेबसाइट के जरिए आता था, लेकिन इस बार PDF में आया है रिजल्ट, ऐसा क्यों आया है? हम लोग की जिंदगी से ऐसा क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? आपने तो परीक्षा नियंत्रक को भी घेरा है। हाँ, क्या बात हुई? वो बोले हैं कि आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के एडमिट कार्ड और मार्कशीट, वो एक ईमेल आईडी दिया गया उस पर अपलोड करने के लिए, अब उस पर अपलोड करेंगे कब आएगा रिजल्ट, नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि हम MCOM को लेके 103 साल बर्बाद किए, अब पता नहीं रिजल्ट उस पर कब आएगा हम लोग का और नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पर हैं PG फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जो कि बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ था, अभी तक आया नहीं है। हम जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पर मौजूद हैं ये लोग 2019-21 सेशन के हैं और हम लोगों का एक साल तो बर्बाद हो गया, और जब रिजल्ट आया है तो मात्र 28 विद्यार्थी जो पास है और बाकी सारा 87 बच्चा जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का है उसका रिजल्ट पेंडिंग बताया जा रहा है। जिस तरीके से विश्वविद्यालय द्वारा ये धूल रवैया है, विश्वविद्यालय के पास डाटा का अभाव है, बिना डाटा का रिजल्ट कैसे जारी होगा, ये सारी समस्याओं को लेकर के विश्वविद्यालय जब परेशानी में है, डाटा सेंटर और विश्वविद्यालय के झगड़ा के चक्कर में हम आम छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। जितना भी रिजल्ट क्लियर था ना अभी तक, वो सारे रिजल्ट जो है हमने प्रकाशित कर दिया, इनमें किसी भी प्रकार का मैंने लेकुना नहीं जाए। जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर मार्क्स जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है उसके कारण लंबित है, वो मार्क्स जो है सो मतलब वो अपना उनके पास में होगा तो वो उपलब्ध करा देंगे, जो कि मैंने आधार बना करके उसको हम लोग रिजल्ट संशोधित कर देंगे, उनका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट दिखा रहा है, पेंडिंग जब ही क्लियर हो गया तो उनका पास निकल जाएगा। विश्वविद्यालय नहीं रहने के कारण ही ना हुआ है ऐसा, डाटा रहता तो रिजल्टे पर प्रकाशित हो जाता, लेकिन छात्र के पास में है, छात्र अपना दे देंगे, उनका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। विश्वविद्यालय के पास तो होना चाहिए ना सर डाटा? विश्वविद्यालय को डाटा उपलब्ध नहीं कराया पुरानी कंपनी ना, उसी के लिए तो कोर्ट में वो है खड़ा है वहाँ, आप विश्वविद्यालय कोर्ट में अपना जो है फेस कर रही है। तो लगता है ना सर छात्रों की परेशानी बढ़ गई है, अब इसके लिए हमने एक सूचना दे दिया है कि जिन छात्रों के पास में उससे संबंधित डाटा उपलब्ध है वो अपना जो है सो कंट्रोलर के कार्यालय में या कंट्रोलर के ईमेल पर या नहीं तो वेबसाइट डाल दिया है, उस वेबसाइट पर मैं अपना दे देंगे, हम लोग निकलवा करके चेक करके एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट क्लियर करवा करके दे देंगे। तो सर मार्किंग नहीं, उनका मार्क्स मिल जाएगा तो ऑलरेडी इंसर्ट हो जाएगा उसमें, मार्कशीट उसमें इंसर्ट करके रिजल्ट निकाला जाएगा। कॉपी जांच होगी या नहीं? कॉपी क्यों जाँची, मार्क्स ऑलरेडी मार्क्स अवेलेबल है ना। अरे फोर्थ सेमेस्टर में नहीं पेंडिंग है, पेंडिंग है उनके पिछले रिजल्ट। अच्छा, पिछले रिजल्ट के कारण पेंडिंग है। फोर्थ सेमेस्टर का कॉपी तो ऑलरेडी चेक्ड है, उसका मार्क्स उसमें पोस्टेड है, ये है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का मार्क अनअवेलेबिलिटी के कारण। कब तक ये हो जाएगा क्लियर? कहे ना एक सप्ताह देंगे। छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि PDF में रिजल्ट दिए हैं। अभी तो रिजल्ट दे दिए हैं खाली, उनका ये TR नहीं दिया गया, TR बनेगा तब ना देंगे। सेशन लेट चल रहा है क्या सर यहाँ इन लोगों का? एक साल 5-6 महीना तो लेट हुए कोरोना के कारण, हम लोग तो बिल्कुल रेगुलर थे 6 महीना के कारण जो है, लेकिन हम लोग क्लियर कर लेंगे क्योंकि 19-22 का तो रिजल्ट हम लोग निकाल ही रहे हैं।